Hey guys, I'm CS Chaitanya Kedia and I'm starting a new exam series. So exam series basically hai kya? Exam series mein main CS professional pe focus karne wala hu kyunki CS professional mein 3 modules hain aur har module mein 3 subjects hain. So I'll be making total 9 videos of each subject jiske andar main us subject ka particularly analysis karne wala hu. So analysis basically means is ki main us subject ka trick batane wala hu kyunki each subject requires different approach to prepare क्योंकि आप same तरीके से सारे subject नहीं पढ़ सकते क्योंकि हर subject का अलग purpose है हर subject को अलग तरीके से करना है and I'll tell you one thing कि teachers जो है हर academy के teacher I'm not a teacher I'm a student I'm still in 5th year of law and I have completed my CS professional तो मैं अपना personal experience share करूँगा क्योंकि ग्राउंड रियलिटी हमें पता है स्टूडेंट्स को तो आई वॉन्ट टू शेयर विद यू गाइज सो दैट यू कैन स्कोर गुड एंड यू कैन क्लियर सीएस प्रोफेशनल इन वन गो ओके तो पहला सब्जेक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट आई विल बी डीलिंग विद इज गवर्नेंस रिस्क मैनेजमेंट कंप्लायंस एंड एथिक्स ठीक है तो ये फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा फर्स्ट जून को शायद इसका पेपर रहेगा तो इस सब्जेक्ट का मैं क्रैक कैसे करना है हमें क्रैक कैसे करना है आई पर्सनली गॉट एग्जेम्पशन इन दिस सब्जेक्ट तो कैसे हम पढ़ सकते हैं ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस सब्जेक्ट इज टोटली थियोरेटिकल इसमें प्रैक्टिकल बहुत कम है एंड ऑलमोस्ट नहीं आता इस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल बिल्कुल भी तो थियोरेटिकल है तो थियोरेटिकली अप्रोच कैसे करना है हर पॉइंट को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये सब्जेक्ट हमें मेमोराइज करना ही पड़ेगा इसके अंदर बहुत सारी लिमिट्स हैं लिमिट्स इन द सेंस कि अगर सीएसआर है तो सीएसआर के अंदर नेटवर्थ क्या होनी चाहिए टर्नओवर क्या होना चाहिए देन उसके अंदर कितना परसेंट सीएसआर करना कंपलसरी है दैट इज 2% 500 करोड़ 1000 करोड़ देन पब्लिक कंपनी के लिस्टेड कंपनी ऑल ऑफ दिस यू नीड टू रिमेंबर और कुछ भी पूछ सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक थिंग कि ये सब्जेक्ट बहुत थरली प्रिपेयर करना पड़ता है क्योंकि ये स्टूडेंट्स को थोड़ा हार्ड जाता है क्योंकि इसमें पूरा याद करना पड़ता है इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप समझ नहीं सकते याद ही करनी पड़ेंगी जैसे आईसीएसआई के फंक्शंस क्या है आईसीएसआई ने क्या क्या किया है तो वो याद ही करने पड़ेंगे पॉइंट्स तो बेसिकली फोकस ऑन सब पॉइंट्स कि आप हेडिंग के अंदर क्या सब पॉइंट्स लिख के आ सकते हो तो मैक्सिमम जितने भी ज्यादा सब पॉइंट्स आप मेमोराइज कर सकते हो वो करना एंड जो कंसेप्ट हम कंसेप्चुअली समझ सकते हैं वो डेफिनेटली समझ के जाना एंड यू कैन राइट इट ऑन इन योर ओन लैंग्वेज ओके सेकेंड थिंग इज कंटेंट काफी होना चाहिए कंटेंट कम नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि ये सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है तो यू नीड टू राइट अ लॉट ऑफ कंटेंट इन दैट लॉट ऑफ इन द सेंस कि बहुत ज्यादा नहीं बट रिलेवेंटली 1.5 पेज एटलीस्ट लिखना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत कम कंटेंट लिखते हैं तो लगता है कि आ रहा नहीं है तो जितने ज्यादा पॉइंट्स आप मेमोराइज कर सकते हो वो करके जाना ओके सेकंड थिंग इज कि ब्रेकअप क्या है सब्जेक्ट का 50 मार्क्स 20 मार्क्स 20 मार्क्स एंड 10 मार्क्स ठीक है तो 20 मार्क्स सिर्फ एक चैप्टर को दैट इज रिस्क मैनेजमेंट तो रिस्क मैनेजमेंट जो चैप्टर है बहुत अच्छे से करके जाना है 20 मार्क्स जस्ट थिंक अबाउट इट 20 मार्क्स एक चैप्टर से मिल रहे हैं आपको और क्या चाहिए तो 50 मार्क्स अच्छे से प्रिपेयर करो 20 मार्क्स थरली की 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आते हैं उसके तो वो जितने भी क्वेश्चन आए हम पूरे के पूरे अटेम्प्ट करके मैक्सिमम मार्क्स उस 20 मार्क्स से एक्सट्रैक्ट कर लें एंड रिमेनिंग 20 एंड 10 मार्क्स इज लाइक 10 मार्क्स में एथिक्स एंड कंप्लायंस वगैरह के सीएसआर वगैरह के बारे में बात करी गई है तो आई थिंक आई लेफ्ट दैट लाइक अ लिटिल बिट आई जस्ट रेड दैट एंड जस्ट हैव द बेसिक आइडिया अबाउट इट क्योंकि 10 मार्क्स में 3 चैप्टर्स हैं तो 3 चैप्टर्स में अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा यू पुट दोज एफर्ट्स टू द 50 एंड 20 मार्क्स फर्स्ट देन रीड द 20 मार्क्स रिमेनिंग फॉर कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड जस्ट रीड द 10 मार्क्स थिंग नेक्स्ट इज क्वेश्चंस कैन बी फ्रॉम एनी वेयर इन द होल आईसीएसआई मॉड्यूल तो समझ के चलो हमें लग रहा है कि ये टॉपिक नहीं आएगा ईजी है बहुत इररेलेवेंट है बट डेफिनेटली वो आ सकता है तो ये वाला ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें कोई भी क्वेश्चन कोई भी पॉइंट से आ सकता है तो मैक्सिमम ये ट्राई करना है कि रीड जितना ज़्यादा कर सको आप ये सब्जेक्ट को उतना ज़्यादा करना है क्योंकि रीड जितना करेंगे उतना ज़्यादा मेमोराइज होता है तो इफ ओनली यू रिमेंबर कि कुछ भी पॉइंट्स याद आ जाए एग्जाम में तो 1-2 पॉइंट्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि वो हमें एटलीस्ट 1 or 2 मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करते हैं और एक एक मार्क्स की कीमत हम सबको ही पता है कि सीएस में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है सेकंड इज कि आंसर कैसे लिखने हैं आंसर का फ्लो कैसा होना चाहिए आंसर का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं बट जस्ट कीप इन माइंड कि आंसर बहुत शार्पली और रिलेवेंट कंटेंट ही लिखना है अगर थोड़ा सा भी इररिलेवेंट कंटेंट जाता है देन एग्जामिनर गेट्स रियली इरिटेटेड एंड वो आपके मार्क्स डिडक्ट कर लेगा हम लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम रिलेवेंट कंटेंट नहीं लिख पाते हैं हम बहुत ज्यादा फेंकने लगते हैं हम इधर उधर का बहुत लिखने लगते हैं तो
ओके, एक बेसिक सी मैं बात बताने वाला हूँ जो मैंने पर्सनली खुद ने एनालाइज करी है, किसने मेरे को नहीं बताई। सीएस के सजेस्टेड आंसर्स हैं, सजेस्टेड आंसर्स ही एग्जामिनर के पास जाते हैं। ओके, तो एग्जामिनर को आइडिया नहीं है कि क्या पूछा गया क्या है, सजेस्टेड आंसर में से वो देखेगा और आपकी कॉपी में मैच करेगा। अगर वो वर्ड्स उसको वहां मिल गए तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अगर नहीं मिले तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। यस, दैट्स द ट्रूथ। तो यही सोचना है कि क्वेश्चन जब भी पूछा जाए तो जस्ट कीप इन माइंड कि आईसीएसआई सजेस्टेड आंसर्स में क्या लिखेगा और व्हाट एग्जामिनर वांट्स मी टू राइट, कंसेप्ट क्या पूछा गया है। एज अ सीएस यू नीड टू राइट द आंसर्स एज अ सीएस, कि आप लोग को ये समझना है कि यस आई एम अ क्वालिफाइड सीएस एंड देन राइट द आंसर, क्योंकि वो लोग यही चेक करना चाहते हैं कि व्हाट्स योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द कंसेप्ट। तो दिस इज ऑल अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, पूरा थ्योरेटिकल है, मेमोराइज करके जाना है मैक्सिमम, जितना ज्यादा रीड कर सकते हो ये सब्जेक्ट को उतना रीड करना है। रिवीजन के लिए काफी टाइम लगना है इसको, 2-3 डेज एटलीस्ट बिफोर, लाइक फर्स्ट पेपर यही रहता है तो 4 डेज तो पहले से ही आपको ये रीड करना चालू करना है, क्योंकि 4 डेज कंटिन्यूअली रीड करने से हमारे दिमाग में वो जो पॉइंट्स आ जाते हैं, मैं रटने को नहीं कह रहा हूँ बट कुछ चीज मेमोराइज करनी पड़ेगी, दैट इज द ट्रूथ। जो चीज समझने की है वो समझिए, बट लिमिट्स रटनी ही पड़ेगी, लिमिट्स समझ नहीं जा सकती। सो लिमिट के लिए मैं एक बात और बताने वाला हूँ कि जैसे मैंने ये कुछ बनाया था यहाँ पे नोट्स टाइप ऐसे लिमिट्स का, तो मैं इसका कॉपी फोटो मतलब डाल दूंगा वीडियो के एंड में, बट यू ऑल्सो मेक समथिंग लाइक दैट कि नोट्स में प्रॉपर खाली एक लिमिट्स का सेक्शन, तो एग्जाम हॉल में जाने से पहले वो पूरा सेक्शन आराम से आप रीड कर लेना एंड यू विल डेफिनेटली स्कोर गुड इन दोज एग्जाम। बहुत ईजी है, सीएस प्रोफेशनल हो जाता है, मैंने बिना कोचिंग के निकाला है ये, खाली नोट्स और मॉड्यूल से पढ़ के, तो आप लोग भी कर सकते हैं अगर मैं कर सकता हूं तो। सो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट, क्योंकि अगर आप मेरे को हेल्प करोगे ग्रो करने में तो आई हेल्प यू गाइस। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।